Nutrition in animals. Plants can prepare food on their own by the process of photosynthesis, but animals get their food from plants either directly or indirectly. मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. दिस फूड इज़ यूटिलाइज फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन. फूड कंटेन मेनी कॉम्पोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, minerals and vitamins. And these components of food are in the complex form. They cannot be utilized yet. So they are broken down in simpler form. जो हम खाना खाते हैं वो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हो, चाहे प्रोटीन, चाहे फैट्स, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और इनको हमारी बॉडी इस फॉर्म में नहीं ले सकता. दे कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर substance is called the digestion, and animal's nutrition is the process of intake of food and its utilization in the body for growth and energy. जो animals हैं वो nutrition उसके process से खाना body के अंदर लेते हैं और body उनको अपने growth और energy के लिए use करती है. And this type of nutrition of ready-made solid for liquid organic food is called the holozoic nutrition. जो animals हैं उनमें nutrition का process जो है वो इस तरीके से body में चलता है. And the different types of holozoic nutrition. Holozoic nutrition involves 5 steps. First is ingestion. Ingestion means process of taking in food into the body of animals from external environment. वो process जिससे कि animal जो हैं वो बाहर के environment से खाना अपने body में लेते हैं. Digestion, breakdown of the complex organic food into simple soluble form so that it can be absorbed by the body cell. Certain chemical substance enzymes helps in the broken down of these complex food is called the digestion. And third is absorption. Digestion means जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होते हैं उनको हमारी बॉडी सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में बनाती है ताकि उसको बॉडी की सेल्स एब्जॉर्ब कर लें. और इन केमिकल सब्सटेंस, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो इन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में बदलने में मदद करते हैं. एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स taking in of soluble nutrients by the body cells. Absorption मतलब होता है कि जो digestion के बाद जो soluble nutrients हैं वो हमारी body की cell ले ले. Fourth one is assimilation. Assimilation means utilization of absorbed nutrients by the body cells. जो हमने एब्जॉर्ब करा है सेल ने न्यूट्रिएंट्स को, उनको हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले. एंड लास्ट वन इज़ इजेशन.
डाइजेशन मतलब जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो इजेशन कहलाता है. रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी.